हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताऊंगा। और इसके पहले मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक के काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक भी दिया है जहाँ से आप जाकर मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इसमें टॉपिक लिया गया है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, यानी कि आज हम लोग यहाँ पर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो है चुंबकीय बल का निर्धारण करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अनंत लंबाई के दो चालक तार लिए गए हैं, ये पहला चालक तार, इसी प्रकार यहाँ पर ये दूसरा चालक तार, इसको हम लोग मान लेते हैं पी क्यू, और ये दूसरा चालक तार हो जाएगा यहाँ पर आर एस। तो यहाँ पर दो चालक तार लिए गए हैं पी क्यू और आर एस। यहाँ पर पहले चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है आई वन और दूसरे चालक में धारा प्रवाहित हो रही है आई टू। और आपको ये बताया गया है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जब इस तार में धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चालक तार रखा गया है आर एस, जो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है बल का अनुभव करेगा। इसी प्रकार जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसके कारण जो पहला तार था यानी कि पी क्यू, ये भी बल का अनुभव करेगा। तो दोनों चालक तार जो हैं वो एक दूसरे पर जो है बल आरोपित करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन दोनों तारों के बीच की दूरी यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग आर। यहाँ पर पहला बिंदु एक ले लेते हैं एन और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं एम। तो इस पर आरोपित चुंबकीय बल एफ, इसी प्रकार इस पर आरोपित चुंबकीय बल, इसको आप लोग मान लेते हैं एफ डैश। तो यहाँ पर ये एफ मान लिया गया और इस पर मान लिया गया एफ डैश। तो इस चालक के कारण जो इस बिंदु एम पर चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको आपको इस पॉइंट के द्वारा दिखाना है, यानी कि क्रॉस के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, जो बिंदु N होगा यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको आपको डॉट के द्वारा प्रदर्शित करना है। क्रॉस और डॉट आपको बताया गया, जहाँ पर क्रॉस होगा इसका मतलब वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, यानी कि इस बिंदु M पर जो है चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका बी वन वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, और जो बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी कि बी टू, ये यहाँ पर कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच नियम बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच नियम के अनुसार बिंदु M पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी, और बिंदु N पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो आप इसमें चित्र की सहायता से बता सकते हैं कि माना अनंत लंबाई के दो धारावाही चालक पी क्यू और आर एस हवा या फिर निर्वात में एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। दोनों चालक तारों पर आई वन और आई टू प्रबलता की विद्युत धाराएं जो है प्रवाहित हो रही हैं, ये आप इसमें बता सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चालक पी क्यू के कारण जो है बिंदु एम पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना है चालक पी क्यू के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग इस चालक पी क्यू के कारण जो है बिंदु M पर तीव्रता यानी कि बी वन ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आपको लिखना है बी वन बराबर सूत्र होता है म्यू नॉट बटे फोर पाई इंटू टू आई बटे आर। तो अब ध्यान दीजिए, इस चालक में धारा प्रवाहित हो रही थी I1, इसलिए यहाँ पर I की जगह पे आपको लिखना है I1, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण एक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो चालक तार RS लिया गया है इसकी लंबाई हम लोगों ने बताया था अनंत, तो हम लोग इस चालक तार की L लंबाई पर आपको यहाँ पर लिखना है कि अब चालक तार RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। तो हम लोग ये जो चालक तार आर एस था इसकी एल लंबाई पर जो है यहाँ पर
आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बल है F, सूत्र हो जाएगा F बराबर, ध्यान दीजिए जो चुंबकीय बल होता है उसका सूत्र ये होता है F बराबर I बी एल साइन थीटा, इतना होता है। तो इस सूत्र के अनुसार जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग चालक आर एस की एल लंबाई पर ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है धारा, ध्यान दीजिए चालक आर एस में है आई टू, तो यहाँ पर धारा हो जाएगी आई टू। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बिंदु M पर था B1, तो I2 B1, लंबाई L, इसके बाद ध्यान दीजिए साइन, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपको प्रयोग करना है साइन 90 अंश इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा F बराबर I2, यहाँ पर B1 का मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए इसका मान था μ0/4π इंटू 2I1/r और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा L, साइन 90 का मान होता है 1। अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर L हम लोग इधर ले आएँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिए F/L बराबर, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे μ0/4π इंटू 2I1 इसके अलावा I2 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा R, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये F/L बराबर करके आया है। तो पेपर में केवल इतना भी सॉल्व करने के लिए आता है कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का सूत्र F/L बराबर μ/4π इंटू 2I1 I2/r होता है, ये सिद्ध करने के लिए भी आता है। या फिर कभी कभी आएगा कि प्रति मीटर लंबाई पर, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं तार आर एस की प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल, तो यहाँ पर जो लंबाई थी उसको प्रति मीटर यानी कि लंबाई मान लिया गया है 1 मीटर, तो प्रति 1 मीटर लंबाई पर अगर बल ज्ञात करेंगे तो फिर इसे लिखा जाएगा F=μ0/4π इंटू 2I1 I2/r। फिर वहाँ पर इसी सूत्र को आपको इस प्रकार से लिखना है, यानी कि लंबाई जो है उसे मान लिया गया प्रति मीटर यानी कि 1 मीटर, तो अगर लंबाई 1 मीटर होगी तो वहाँ पर सूत्र इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे। बाकी आप यहाँ पर ये बता सकते हैं F/L बराबर μ0/4π इंटू 2I1 I2/r। तो अब इसी प्रकार जो हम लोग बिंदु N पर भी चुंबकीय बल यानी कि F- का मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस चालक PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B1 ज्ञात किया, उसी प्रकार अब हम लोग यहाँ पर चालक RS के कारण जो है बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र B2 ज्ञात करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर इस चालक PQ की L लंबाई पर जो है यहाँ पर चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इससे मिटा देते हैं, फिर उसके बाद आगे ध्यान दीजिए। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने बिंदु M पर यानी कि चुंबकीय बल जो है ज्ञात किया है चालक RS की L लंबाई पर, अब हम लोग यहाँ पर चालक PQ की L लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए जहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया था चालक PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वहाँ पर अब आपको प्रयोग करना है चालक RS यानी कि जो दूसरा चालक था RS इसके कारण बिंदु N पर, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने M प्रयोग किया था वहाँ पर प्रयोग करना है अब आपको N, तो चालक RS के कारण बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम लोग B2 इस प्रकार से। अब चालक RS के कारण ज्ञात करें तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, तो यहाँ पर जहाँ I1 प्रयोग किया गया था वहाँ पर हो जाएगा I2 इस प्रकार से। तो वहाँ पर समीकरण 1 था, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आपको लिखना है चालक तार RS जहाँ पर था वहाँ पर अब आपको प्रयोग करना है चालक तार PQ की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। तो जब यहाँ पर हम लोग PQ की L लंबाई पर चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए PQ में धारा प्रवाहित हो रही है I1, यानी कि यहाँ पर आपको प्रयोग करना है I1, बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र है B2, बाकी L वही रहेगा और यहाँ पर भी बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे I1, B2 का मान आपको यहाँ से रखना है तो इस जगह पर हो जाएगा I2, बाकी ये वही रहेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो बल था यहाँ पर हम लोगों ने माना था F-, तो यहाँ पर आपको लिखना है F-, तो अब इसी प्रकार से यहाँ पर L इधर आएगा तो ये हो जाएगा F-L, बाकी यहाँ पर ध्यान दीजिए μ0/4π I1 I2/r सेम उसी प्रकार से। अगर आप यहाँ पर ये ज्ञात करते हैं कि तार PQ की प्रति मीटर लंबाई पर चुंबकीय बल, तो इस प्रकार से F- का मान वही आ जाएगा जो अभी हम लोगों ने F का मान ज्ञात किया था, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि F बराबर F-
यानी कि बिंदु N पर, यानी कि जो चालक PQ की L लंबाई पर बल लग रहा है और जो चालक RS की L लंबाई पर बल लग रहा है, इन दोनों का मान समान है। तो आप बता सकते हैं कि दोनों समांतर धारावाही चालक तार जो हैं वो एक दूसरे की समान लंबाई पर समान चुंबकीय बल आरोपित करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा मुख्य पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो धारा की दिशा देखना है आपको, यहाँ पर धारा की दिशा इस प्रकार से है और यहाँ पर धारा की दिशा इस प्रकार से है। तो अगर दोनों तारों में धारा की दिशा सेम है, यानी कि दोनों में धारा की दिशा एक ही है, तो वहाँ पर जो बल होगा उसमें आकर्षण होगा। याद रखिएगा, वहाँ पर जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण बल कार्य करेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और अगर दोनों तारों में धारा की दिशा विपरीत हुई, यानी कि ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर ये तार था, अगर इसमें धारा की दिशा इस प्रकार से है, इसमें धारा की दिशा इस प्रकार है, तो फिर चुंबकीय बल जो होगा वो प्रतिकर्षित होगा, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये याद रखिएगा, अगर धारा की दिशा जो है सेम है तो वहाँ पर आकर्षण बल होगा, अगर धारा की दिशा विपरीत है तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो इसमें इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी लिखा रहता है कि इसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए, यानी कि पेपर में क्वेश्चन आता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न चुंबकीय बल का निर्धारण कीजिए और उसके आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञात किया था, ध्यान दीजिए, सूत्र आया था एफ बट्टे एल बराबर म्यू नॉट बट्टे फोर पाई इंटू टू आई वन आई टू बट्टे आर, इस प्रकार से इतना भी हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर ये मान लिया जाए कि एल बराबर एक मीटर, जो एल है इसका मान है एक मीटर, इसके अलावा आई वन बराबर आई टू बराबर एक एम्पियर, आई वन और आई टू का मान मान लिया गया है एक एम्पियर, इसके अलावा जो आर है यहाँ पर इसका मान मान लिया गया है, यहाँ पर आर का इसका मान यहाँ पर हो जाएगा एक मीटर, इस प्रकार से एक मीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आपका यहाँ पर बचेगा एफ, इसके अलावा बचेगा म्यू नॉट बटे फोर पाई इंटू टू, ये वाला आई वन आई टू बटे आर, इन सभी के मान यहाँ पर वन मान लिए गए, यानी कि इसके अनुसार ध्यान दीजिए आप इसको लिख सकते हैं एफ बराबर दो गुणे, इसका मान यहाँ पर म्यू नॉट बटे फोर पाई का होता है 10^-7 एफ है, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा न्यूटन। तो इतना आप लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब आप इसके अनुसार यहाँ पर परिभाषा बनाएंगे तो ध्यान दीजिए आई वन और आई टू का मान कितना मान लिया गया है, एक एम्पियर, तो आई वन और आई टू का मान एक हो गया, आर का मान हम लोगों ने वन मान लिया है, एल का मान भी वन मान लिया है, तो इसके अनुसार जो बल आया है उसका मान आया 2×10^-7 न्यूटन। तो अब ध्यान दीजिए, जब इसके अनुसार आप परिभाषा बनाएंगे तो आप बताएंगे कि एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे दो लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×10^-7 न्यूटन का बल आरोपित करती है या फिर उत्पन्न करती है। याद रखिएगा, आप चाहे तो कहीं पर लिख सकते हैं इसे, फिर से ध्यान दीजिए एक बार, एक एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर रखे दो लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2×10^-7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से आप इस सूत्र की सहायता से एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। तो अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।